खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आने सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, गलत है जो भाषा गलत है, टोका है, गलत है, नो ये भाषा मत बोलिए, प्लीज नहीं मैडम, नहीं प्लीज नो, ये सदन है, कोई भी माननीय सदस्य के प्रति इस तरीके की बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। माननीय सदस्य आप बैठिए। माननीय सदस्यगण, चेयर की गरिमा बनाना आपका काम है, सदन में मर्यादित बोलना भी सभी माननीय सदस्य कहते हैं, हर विषय को मर्यादित कहते हुए आप अपनी बात कहें, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, कोई भी ऐसी चीज मैं खुद देखूंगा स्वयं रूप से, और उसमें कोई भी आपत्तिजनक होगी तो मैं सबको उठाऊंगा। माननीय सदस्य, सर मुझे और बाकी लोगों को इस सदन आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ, वो भी एक महिला हमारी जो सामान्य सदस्य प्रेजाइड कर रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। सर उनको माफी मांगना चाहिए मिनिमम, ये मैं आपसे अपील करूंगा। आप देखिए बहुत गंभीर विषय, ये बहुत गंभीर विषय है। आप बताइए सर, इसमें रूल बड़ा स्पष्ट है, रूल नंबर 10 पेज नंबर 7, ये साफ कहता है सर, द डिप्टी स्पीकर और एनी अदर मेंबर कॉम्पिटेंट टू प्रिसाइड ओवर सीटिंग ऑफ द हाउस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और दीज रूल्स शैल व्हेन सो प्रिसाइडिंग हैव द सेम पावर्स एज द स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग एंड ऑल रेफरेंसेस टू द स्पीकर इन दीज रूल्स शैल इन दीज सर्कमस्टांसेस बी डीम्ड टू बी रेफरेंस टू एनी सच पर्सन सो प्रिसाइडिंग। इसीलिए माननीय सदस्य, माननीय से प्लीज बैठे जी, माननीय सदस्य इसमें किसको आपत्ति है, जब सभापति बैठते हैं उसको पूरा चेयर पे एज ए स्पीकर का पूरा अधिकार होता है, पूरा अधिकार होता है। माननीय सदस्य, मैं बैठ जाइए आप। माननीय सदस्य हाँ, माननीय से प्लीज बैठिए, माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना आपको। हाँ माननीय सदस्य प्लीज आप भी बैठ जाइए, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। माननीय सदस्य आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सर मुझे दो ही बात कहना है, मैं यह हाउस पर बैठा हूं, इसके पहले वरिष्ठ सदस्य दानिशाली ने बोला, रूलिंग पार्टी के 3-4 मंत्री लेकर हर लोग हल्ला करने लगा, ये संख्यालघुओं के सदस्य है और ये अपना बिल के बारे में बोल रहे थे, उसके बाद आजम बोलेंगे सर, आप माननीय सर एक मिनट उनको, माननीय सर एक मिनट बोलने दें, एक बार पूरी बात बोलने दें आप सर। फिर आजम खान साहब बोलने को उठे, जब वो बोलने लगे रूलिंग पार्टी बेंच से हल्ला होने लगा, जो अध्यक्ष पीठाधीश थी माननीय, उन्होंने बोला, जब एक बार मैंने व्यवस्था दी कि बोलने के बाद आप बोलना, तो फिर क्यों बीच बीच में और देखने को, लेकिन मौका कहां मिलता सर, आप देखिए
आप देखिए, नहीं सर, ये हाउस में 78 मेंबर है महिलाओं का, एक भी मुस्लिम महिला नहीं है। दो मुस्लिम मेंबर बोलेंगे और उसी के समय रूलिंग पार्टी के सब लोग आगे हल्ला करेगा। सर, हम संरक्षण चाहते हैं, क्या विरोधी लोग बोल सकेंगे? जी मैं हाउस में था उस समय, और दो स्वागत राय जी कह रहे हैं, माननीय सदस्य प्लीज, दो स्वागत राय जी कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो दानिश अली जी का उदाहरण देकर कह रहे हैं। आप कह रहा हूँ वो सही नहीं, प्लीज माने दादा आप प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोलिए। हाउस में ही था मैं, एक चीज कहना चाह रहा हूँ साहब, हमारे जो लोग उत्तेजित हुए ये जो डेविएट कर रहे हैं स्वागत दा, वो विषय नहीं है। दानिश अली वाला विषय अलग था, वो टोका टोकी वाला विषय था। ये जो विषय था आजम खान साहब वाला, इस विषय में कुटिलता झलकती है और भाव बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है शेर के प्रति। इसलिए शब्दों का प्रयोग और ये उन्होंने पहले तो उन्होंने टोका नकवी साहब को कि वो कहां चले गए, इधर उधर की बात, तो उन्होंने कहा आप इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। तो ये आसन कहता ही है, जब उन्होंने वो जो दूसरा शेर पढ़ा वो ठीक नहीं था, माफी मांगनी चाहिए आप एक समान के लिए। मैं अब आप बोलिए सर, इन्होंने कहा कि जब वो, आप इनसे अलग बात हो तो बोलना सर, रिपीटेशन मत करना। रिपीटेशन नहीं करो सर, हाँ। जब दानी साहब बोल रहे थे उन्होंने मुझे ये शब्द दोहराते हुए शर्म आ रही है, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सबके सामने कहा गया। आप मत दोहराओ। उन्होंने कहा कि अपने घर पे ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, हमको क्या सिखाएंगे। इसके बारे में हमने बोला कि ये गलत शब्द है सर, पॉइंट वन। पॉइंट टू, जब आजम खान साहब ने बोला, जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन्होंने निशिकांत जी ने कहा है, उन्होंने पहले स्पीकर मैडम ने उनको कहा कि आप जो, आपको जो भी कहना है आप मेरे को कहिए। उन्होंने उसके बाद जो दो लाइन बोला है वो इतना वाहियात है कि उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्वागत होता जो बोल रहे हैं सर, स्वागत होता जो बोल रहे हैं। आपको मौका दे दिया ना, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ सर, स्वागत होता ने भी जो बोला है, आजम खान साहब का जो कोट है उनको चेंज करके उन्होंने बोला है, उन्होंने भी गलती की, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जी आदरणीय सांसद आजम खान जी जो बोले हैं सारी देश देख चुके हैं, उसके बाद भी वो शब्द आप साबित करिए, आप अंदर जाइए रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद सभा चलाइए, उसके बाद एक्शन लीजिए। देखो माननीय सदस्य बात सुनिए, सभा कोई स्थगित नहीं होने वाली, इस लोकसभा का इतिहास रहेगा, यहाँ सभा कोई स्थगित होने वाली नहीं है, ठीक है ना। मैं माननीय अखिलेश जी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सांसद आजम खान साहब जो बात अपनी कह रहे थे और जब उन्होंने अपनी शेर की दो लाइनें कही तो पीठ से ये कहा गया कि मुझे देख के कहा जाए। मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में या जो बातें कही गई हैं कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का मन हो। अब ये देखिए बादशाह, ये अखिलेश जी एक मिनट इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई, क्या बढ़ते अंतिम की बात करते हो अध्यक्ष महोदय, ये भाषा नहीं हो सकती है। अगर ये बदतमीज कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं। हाँ माननीय सदस्य, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए और अगर इधर से पूरे मिलकर के ये बदतमीज कहेंगे क्या? नो बदतमीज नहीं बोल सकते, नो कैसे कह सकते हैं ये मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, ये इतने तमीज की वाले लोग हैं क्या? माननीय अखिलेश जी बैठिए। अरे माननीय व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य आप वरिष्ठ सदस्य भी हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन आपने जो शब्द बोला है, माननीय सदस्य प्लीज, जो शब्द बोला है वह शब्द असंसदीय भी है और इस संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल भी नहीं है।
इसलिए माननीय सदस्य पहले तो उस माननीय सदस्य उस जो शब्द बोला उसके लिए आप माफी मांगे। माननीय से नो गलत, माननीय सदस्य या तो आप बोल लें, जब मैं एक बार व्यवस्था दे रहा हूं तो भी व्यवस्था देने दीजिए ना आप। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं, जब मैं अखिलेश जी को बोला है तो अखिलेश जी को बोलने दो, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। मैं सदन में जब चर्चा कर रहा हूं तो माननीय सदस्य जिसको बोल रहा हूं उससे ये अपेक्षा करता हूं सदन में उसकी पूरी बात सुनने दी जाए। जो सदन में कोई बात आए वाद विवाद होना चाहिए, बोले आप बोले दोबारा। महोदय मैं अपनी बात कह रहा था जो मैंने सुना और देखा, क्योंकि आपने निर्देश दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं समझता अध्यक्ष महोदय इनके भाषा में इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था, अगर अनपार्लियामेंट रहा था आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। अब एक बात माननीय सदस्य, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट माननीय सदस्य, बदतमीजी शब्द उचित है क्या सदन? मैं कह रहा हूं माननीय सदस्य, मैडम मैंने सबको बोलने का मौका, माननीय सदस्य अगर माननीय सदस्य इधर के लोगों ने जी ठीक है, थैंक यू माननीय सदस्य, ऐसा कोई भी शब्द इधर से बोला हो, कोई माननीय मंत्री जी ने बोला होगा तो भी मैं उसी भाषा में बात करूंगा जिससे आपसे कह रहा हूं। मैं अलग अलग, मेरी आंखें नजर नहीं आ रही आपको, मेरी आंखों में आपको अंतर नजर आ रहा तो बताएं। मैं कभी कोई वरिष्ठ मंत्री भी अगर ये भाषा बोलता है, बैठे बैठे माननीय सदस्य ने बोला, माननीय सदस्य के लिए मैंने तुरंत कहा कि इस शब्दों का उपयोग करना इस सदन में उचित नहीं है, और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन सारा देश देखता है और इस सदन के अंदर मेरा आपसे आग्रह है, मैं सदन सुबह 9:30 बजे आता हूं, सदन जब तक स्थगित होता है उसके आधे घंटे तक यहां रुकता हूं, कुछ व्यवस्थाओं के कारण मैं सदन छोड़कर जाता हूं, इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं कि कोशिश करूंगा अधिकतम समय में सदन में बैठूं, लेकिन एक व्यवस्था है सभापति पैनल की, इसके कारण मैं सदन छोड़ के जाता हूं। मैं माननीय सदस्य, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं, आपने कहा और माननीय सदस्य ने भी अगर कोई ऐसा बोला होगा, आपको अगर कोई नाम बोल दे कि इसने ऐसा बोला तो वो भी पहले खेद व्यक्त कर लेगा, नाम बता दो आप इसमें से किसी ने बोला है, नहीं आप नाम बता दो मैं कहूंगा वो खेद व्यक्त करेंगे, बोलो आप बताओ किसने बोला ऐसा कोई बोलाओ तो। आप माननीय सदस्य फिर माननीय सदस्य आपकी प्रॉब्लम है क्या कुछ बैठे बोलने की? संख्या में बड़ी हो सकते हैं लेकिन सदन सबकी सहमति से चलता है माननीय सदस्य, इसलिए बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं करें। माननीय सदस्य आजम खान जी, माननीय सदस्य सभी लोगों के, नहीं नहीं प्लीज को नहीं, अगर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बोला है तो आप अपनी तरफ से विचार रख दें कि आपका ऐसा वक्तव्य नहीं था, जो भी आपको रखना है आप खड़े होने पर। मान्यवर मैंने तो कहा मेरी बहन हो आप, बहुत प्यारी बहन हो बार बार कह रहे हैं बहुत प्यारी बहन। आप सदन में बोल रहे कि ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं सदन में माफी चाहता हूं, बड़ी नहीं होती। बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं जिससे किसी का मन दुखे, और पीठ पर बैठी हुई महिला से अपनी बहन से कोई, अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है आई डिक्लेयर माय रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। ठीक है माननीय सदस्य शुरू करें। माननीय अध्यक्ष जी सब निकाल दें, मैं बोले माननीय सदस्य यार ऐसे अपमानित होकर बोलने से कोई फायदा नहीं, नहीं जी कोई फायदा बोलो आप नहीं। मान्यवर ऐसे अपमानित होकर बोलने से क्या हासिल है? ठीक है श्रीमती किरण खेर, श्रीमती किरण खेर अब इस विषय पर सर इनमें से जिसको किरण खेर जी जाने एक मिनट, कल्याण जी एक सेकंड बस, ये लास्ट आई वॉज नॉट इंटरफेयरिंग एनीथिंग, आई वॉज जस्ट हियरिंग द आली मिस्टर आली व्हेन यू वॉज लिविंग अस सर, यू जस्ट क्रिटिसाइज दैट द बत्तामी जी इज अनपार्लियामेंट्री वर्ड, यू हैव सेड दिस
when he was going out from here, I am neutral person, I am no for nobody. Comments have come from this side, I don't know exactly who has said so. Bhaktamiji kar raha hai, chala jao, nikal jao idhar se. Just now it has been said. Just now it has been said, sir, I am not telling you lies. This is not proper. Aap bola hai na, 303 persons aa rahe. What is this behavior? He is going out and this is the comments are being passed every time. This is also not allowed. Maybe, sir, just 1 minute I will take. Maybe when I am speaking, when you are allowing me to speak, if I use unparliamentary word, this is bad. Similarly, when I am sitting, I am not speaking. I am passing certain comments which are unparliamentary, that are also bad. Similarly, that are also bad. Therefore, this is also not fair, this is also not good, and I have heard it. I was sitting here silently. These comments have come from this side, from the two benches. I don't know who has made. This is improper. This should not be done. माननीय सदस्य, चलो एक बार आप भी बोल, अधीर रंजन जी शॉर्ट में बोल। सर शॉर्ट में, सर ये सदन के अंदर हम एमपीज लोग कैसे चलेगी, क्या करना चाहिए ना करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ रूल बुक्स है, प्रोसीजियर्स है, डायरेक्टर्स आपका डायरेक्शन भी है, और साथ ही साथ कॉल सेक्टर सारे किताबें वगैरह सब कुछ है, और खासकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे तो हम आपके सामने पेश करेंगे हमारा तर्क। तर्क पेश करने के बाद सदन की आप मालिक है, आप तय करेंगे कि किसको यहाँ से हटाना जाए और किसको यहाँ के रखा जाए, किसको एक्सपांज किया जाए, किसको यहाँ रखा जाए। हमें बड़ी अच्छा लगता है कि आप एक जब ये कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी हो, सत्तापक्ष या विपक्ष, सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, हम किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर हम भी ऐसा ये चाहते हैं कि कोई भी हो, आप किसी को नहीं छोड़ने वाला है। अगर कोई दोष करेगा, कोई गुनाह करेगा, कोई गलती करेगा, तो आप किसी को नहीं छोड़ने वाला हो, ये मैसेज हमें मिल गया है। इसलिए हम बड़ी साहसी से सर, बड़ी दृढ़ता के साथ आपके सामने हर बात रखते हैं। सर एक बात, सब खत्म होने की बात, आपके व्यवस्था देने की बात, आप जब उनको बोलने का मौका दिया, फिर दोबारा कोई चले जाए किसी के बात पे रूट कर, और वो भी जब ट्रिपल तलाक बिल पे चर्चा होने लगे, और तब ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के दो तीन लोग अगर चला जाए, ये हम सबके लिए अशोभनीय होते हैं। मुझे लगता है ये बाहर में ये बुरा संदेश जाएगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा धैर्य सत्ता पक्ष के रहने होना चाहिए। हम जैसे आप अधीर ना हो, आप ज्यादा धीर हो, क्योंकि सरकार आपका है, 353 सदस्य आपका है, तो आपका जिम्मेदारी ज्यादा मानते हैं। ये अगर इतने अच्छा हमारे स्पीकर साहब मिले हैं, जब हम सबको साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको उनको मदद करना चाहिए, ये मेरा राय है। माननीय सदस्यगण, अधीर रंजन जी ने कहा, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम इस पंच और कार्रवाई से हटा तो देते हैं, लेकिन ये भी उचित नहीं है कि सदन में कोई इस तरीके की भाषा बोले, फिर कहोगे इसको स्पंज कर दे, ये भी उचित मैं नहीं समझता, क्योंकि एक बार जनता के बीच में वो भाषा चली जाती है तो जनता में संसद के प्रति एक भाव गलत बनता है, इमेज बनती है। इसलिए मेरा समझ, बोलते समय हम सभी मान्य सदस्य संसद की गरिमा के अनुसार बोले, कोई एक भी शब्द अपन को स्पंज करने की आवश्यकता इस संसद में नहीं होना चाहिए।